पुलिस उप महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह एक दिवसीय दौरे पर कोडरमा पहुंचे। दौरे के दौरान उप महानिरीक्षक ने कोडरमा थाना व अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार पुराने केस के निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। वहीं निष्पादित केसों का भी अध्ययन किया, साथ ही पुलिस अधिकारियों के पिछले महीने की क्रियाकलापों की जानकारी भी ली। वहीं पड़ोसी राज्य में शराब तस्करी को लेकर भी जिला पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को इसके प्रति गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं मीडिया द्वारा संगीन मामलों पर वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लिए SIT गठन की गई है। हालांकि कोडरमा में 10 वर्ष अधिक पुराने मामले जिले में बहुत कम है, जिस पर उन्होंने और जिलों के तुलना कोडरमा जिला की स्थिति अच्छी बताई। अपराधियों से निपटने में चुनौतियों पर कहा कि पुलिस पूरी तरह सक्षम है, SIT का गठन कर दिया गया है, टेक्निकल टीम को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी फोन कॉल से भयभीत ना हो, सबसे पहले हम लोगों को सचेत करें ताकि हम सभी कार्रवाई कर सके। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। सर, किस तरह की बात है सर? आज कोडरमा थाने का हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो पुराने केसेस हैं, माननीय हाईकोर्ट का भी ये गाइडलाइंस है कि पुराने केसेस का डिस्पोजल जल्द से जल्द किया जाए। उसका एक एक केस का हम लोगों ने रिव्यू किया। कुछ केस पॉकेट डिस्पोजल भी थे, उनके भी मैंने एक एक केस का रिव्यू किया। इसके अलावा एक एक अफसर की हम लोगों ने समरी ऑफ वर्क पूरे महीने के अंदर उसने क्या कार्य किया, कार्य क्या, मूल्यांकन क्या रहा, एक एक अफसर का आज हम लोगों ने किया है। और इसके अलावा जो इंस्पेक्शन की जो डे टू डे रूटीन्स हैं वो पूरा के पूरा किया गया है। इंस्पेक्शन का केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारे अनुसंधान की क्वालिटी अच्छी रहे और जो केसेस पुराने केसेस हैं जिनमें न्याय लोग मांग रहे हैं, वादी न्याय मांग रहे हैं, उनका जल्दी से जल्द डिस्पोजल किया जाए। बाकी आए यहाँ और भविष्य में इस तरह के निरीक्षण होते रहेंगे।